हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं। सब जगह पे पूजा कर ली हमने पूरे गांव में, और जो कढ़ाई है वो भी देकर आ गए हैं गांव में। यहाँ पर अपने मोहल्ले पड़ोस में भी बचा हुआ प्रसाद भी बांट दिया है माँ ने। और अब नंबर आता है गिफ्ट देने का, जो मुझे किसी को मतलब जान पहचान में गिफ्ट देने हैं, कपड़े और मिठाइयाँ। कपड़े मैंने मंगा कर रख लिए थे, ये रहे कपड़े। और एक जगह माँ को लेकर भेज दिया है, जहाँ पर मैं हर साल कपड़े और मिठाई देकर भेजती हूँ। जो है मैं हर साल मिठाई का डब्बा और कपड़े भिजवाती हूँ, तो माँ देने के लिए गई है वहां पर। और शाम से पहले ये काम निपटा देंगे, फिर अपनी दीपावली की पूजा आराम से कर लेंगे। अभी मुझे जाना है बुढ़ाना और मैं रेडी हूँ। बस कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, पहले सोच रही थी क्योंकि साड़ी में ना काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सोचा कि फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, शाम के टाइम फिर पूजा करेंगे तो फिर साड़ी पहननी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही पहने रखती हूँ। और अभी मुझे अपने बड़े देवताओं यानी कि कुल देवताओं पर और दिए लगा के आने हैं और ये गिफ्ट देकर आने हैं। ये एक गिफ्ट जाएगा यहीं पर हमारे पास में ही है। चाची जी आती है हमारे, मतलब कभी भी जो जिन्होंने हमारे साथ में, आपको याद हो, बिटोड़े पे वो रखवाया था, तो मैं उन्हें कपड़े दूंगी और मिठाई का डिब्बा। और एक जो चाची जी कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर आती है वो भी बुढ़ाना से ही है, तो उनके कपड़े हैं और मिठाई का डिब्बा है उनके लिए भी। तो मैं दो तीन जगह मैं देकर आऊंगी, बाकी जगह माँ दे देगी अपने आप। और मिठाई का डिब्बे तो बहुत सारे ला रखे गुड्डू के पापा ने, और जगह ही अपनी जान पहचान में जहाँ इन्हें देना है वहां पर ये देकर आएंगे। ये वाला गिफ्ट जाएगा गाँव में ही, एक सूट है, पैंट शर्ट है, मिठाई का डिब्बा है और एक बच्चे के कपड़े हैं। तो ये तो मैं चाचा जी के हाथ से दिलवा दूंगी। और इसमें एक सूट और पैंट शर्ट है, ये मैं खुद देकर आऊंगी, बुढ़ाना जाऊंगी। बुढ़ाना ही है चाची जी का घर, और मुझे पता है, या फिर किसी से पूछ लेंगे। इसमें भी ऐसे ही रख लिया मैंने सामान, तो ये जरूरी गिफ्ट तो मैं दिन दिन में ही देकर आ जाऊंगी। अभी गुड्डू के पापा थोड़ा सा जो है एडिटिंग का काम कर रहे हैं, पाल फैमिली ब्लॉग्स के लिए तैयारी उनकी चल रही है, तो मैं नीचे आ गई थी। तो अभी हमने खाना तो खा लिया है सबने, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर दीपावली के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, मैं अपनी बात करूंगी, सही बताऊं तो सब जगह पूजा पाठ करके फिर हम लोग खाना खा लेते हैं, हर दीपावली पर इस तरीके से करते हैं। और फिर शाम के लिए सोचेंगे क्या बनाएंगे। और मिठाइयाँ वगैरह तो बहुत सारी चीजें हैं ही, और हमारे यहाँ पर जमे पूजे जाते हैं, तो जमे बनेंगे शाम के टाइम, तो जरूरी काम है ये सबसे ज्यादा। तो ये मैं देकर आऊंगी, कुछ फूल वगैरह लेकर आऊंगी। बुढ़ाना जाने की तैयारी, और बच्चे तो कुछ ना कुछ सामान बताते रहते हैं। अपने चाचा जी को सोते उठा दिया, बोले कि पटाखे पहले ला के दो और बाद में आराम करना। और फिर उसके बाद क्या था, गद्दा लगा दिया, नुगैरे जल्ला टांग दो, एक जगह और रह रही। ये लास्ट वाली पूजा यहाँ पे जो बच रही थी, ये भी हमारे कुल देवता ही हैं, और देव पितर जो भी हैं सबकी हमने पूजा कर लिया है दीपावली पे, सबको मना लिया हमने, और हाजिरी लगा दी है सबके दरबार में। और कोई भी देवी देवता देव पितर रूठे ना, सुख शांति के लिए घर में पूजा पाठ। बहुत सारे हैं यहाँ से लाइन में, तो सभी पे प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ पर दिया बत्ती करेंगे, और फिर इसके बाद में जो है शाम को दीपावली की पूजा शुरू हो जाएगी, बस वो रह जाएगी, बाकी जो परिक्रमा वाली पूजा है वो संपन्न हो जाएगी इन्हीं के साथ में। तो यहाँ तक थी आज की हमारी पूजा, और अभी हमने कर दी है श्रद्धा पूर्वक। अब चलते हैं फूल माला लेने के लिए, शाम की दीपावली की पूजा की तैयारी करेंगे। और बच्चों को सबको प्रसाद वितरित कर ही दिया है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे। फूल माला पटाखे की जिम्मेदारी अरविंद को दे दी, और हम लेके जाएंगे फूल माला पूजा करने के बाद में, प्लास्टिक फूल माला गुड्डू ने बोला था है, कपड़े की आएंगे प्लास्टिक में, अच्छा कपड़े की आएंगे। दो जोड़े ये और दो निकलवा लिए हैं ये, तो ये फूल माला लेके चलेंगे, सजावट पूरी कर देंगे। ओम के साइन, पैरों के साइन, स्वास्तिक के साइन, और क्या क्या इसमें तो भी लेना कुछ, इसमें ये कैसे चिपकने वाली इनके पीछे वो है जी, तो उतार कर उसको ले लीजिए। अच्छा घर पहुंचकर कपड़े चेंज किए सबसे पहले, तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने फिरने में, दिक्कत सी आ रही थी। तो चलो जी, पेट भी तो भीग जाए, जब कितने दिनों में साड़ी पहनना है।
अभी बच्चे घर का सामान जो हम लेकर आए हैं ना, फूल लड़ियाँ वो सब देख के तो बहुत खुश हो रहे। और ये दो ओरिजिनल गुलाब के फूल लाए लक्ष्मी गणेश जी पर चढ़ाने के लिए, ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारी दुकानें घूम कर तब मिले हैं ये। कुछ गेंदों की माला लाए, ये वाली ओरिजिनल फूल भी तो ज़रूरी थे ना सजाने के लिए, जैसे मैं हर साल सजाती हूँ चौकी लगा के, तो अभी मैं भी तैयारी करूँगी। और इधर गुड्डू भी लगी हुई है अपने काम में। बच्चों के कहने के मुताबिक हम ये बहुत सारी ले आए, चार चार हैं ये, आठ होगी ना। और जो हमारी पुराने वाली थी ना लगती तो वही, आज सुबह ही हमने जैसे वही निकाल के सुलझा के रखी, इतने बार उसने उसे तोड़ दी, तो फिर मैंने कहा मम्मी से, मम्मी ये लड़ी ले आई, और जो पुराने वाली थी वो देखो मैंने ये भी सेट सी करके ऐसे लगा दी लंबी लंबी, बरामदे में लगा दी गुड्डू ने, अच्छा लग रहा बरामदा भी है ना। अभी ये यहाँ लगाएंगे, और ये वाली जो है वो कमरों के दरवाजों पे लगेंगी सारी। गुड्डू चिंकी करेंगे अपनी तैयारी है, उससे पहले चिंकी को बोला है मैंने, मगर सिर में दर्द हो रहा है, एक घूंट चाय बना ले। कह रही बस एक घूंट ही मंगा नहीं सबके लिए, सबका मन करेगा चाय पीने का। तो गुड्डू तो अभी ने टांग लेगी, और इसके चाचा गए हैं कुछ और सामान लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था चाचा जी पटाके आप ही लेकर आना, बाकी सब सामान मम्मी पापा से मंगवा लेंगे। तो अभी जैसे ही हम आए तो हमसे पहले निकल गए थे पटाखे लेने के लिए। गुड्डू कैसे लगावेगी, लगा लेगी क्या खुद? अच्छा लगा तो, हाँ ठीक है मम्मी, बस लगी लगी नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी ने मुझे कहा है चाय बना दे, और मैंने चाय रख दी है, मतलब देखो मैंने डाली थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चाय, थोड़ी सी चाय पत्ती, और अभी ना मम्मी मेरे को ना दूध दे रही है, क्योंकि मेरे से दूध लिया नहीं जाएगा। डिब्बा रखे हूँ तेरे पापा कह रहे। लंगरी की तैयारी हो रही, और अभी पान का पत्ता आया नहीं, अब की बार मैं भूल गई, बताओ क्या करें, अभी तक सामान लेके आए नहीं आए अरविंद भैया जो रह गया था बीच बीच में रास्ते में, भूल गई थी। हाँ भाई क्या बोल रहा था, है ये क्यों उठा रहा, वहां मत लगा रहे दे, यहाँ पैर पूछने के लिए तो चाहिए, वन तो पायदान लिया देख जा, अच्छा जी बैठे चल, वहां पपड़े रेड़े पे जा, चल जल्दी। गुड्डू ने यहाँ पर पता नहीं कितने सारे सामान रख लिए अपने पास में रंगोली बनाने के लिए, ये है गुड्डू की कलाकारी आज की, कहीं में देखा गुड्डू ये डिजाइन? मैंने कुछ तो फोन में देखा, कुछ अपनी तरह से जोड़ा। अच्छा कुछ दिमाग का आइडिया और कुछ फोन का आइडिया, दोनों से मिलकर ये बना दिया, ये देखो जी इसके रेड कलर के सही नहीं बने, मुझे साफ करने पड़ेंगे, रेड कलर वाले सही नहीं बने। गुड्डू ने ये दरवाजे में टांग दिए हैं, अच्छे लग रहे दोनों साइड में, और ये देखो अंदर वाले रूम के भी दरवाजे के लाए थे हम, मुझे ये लग रहे थे छोटे वाले अच्छे, और फिर क्या है कि सिर में भी नहीं लगने गई है। ये देखो माँ उधर कैलेंडर टांग रही लक्ष्मी माता का, नु कह रही चौकी लगा लो, लगा रही बस माँ मैं भी चौकी लगाऊंगी, लाइट जला दूँ और बढ़िया लगेगा देखने में। ये देखो कुछ इस तरीके से गुड्डू ने घर को सजा दिया, बढ़िया लग रहा। उधर की ये है जो कील नहीं मिली उसे गुड्डू को ठोकने के लिए, तो ये सब काम मुझे करना पड़ेगा, जब ये पिन से निकाल के ना बाहर को, तो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। सब्जी बनाने की तैयारी, सब्जी में क्या बनेगा आज? वही एक ही चीज, शाही पनीर, जो मटर पनीर जो भी कुछ बना, मटर पनीर शाही पनीर, कौन सा पनीर? मटर पनीर ही है इरादा तो। अच्छा तो ये टमाटर काटना शुरू कर रही, पनीर अभी आया नहीं तो पानी से पहले पुल बांधने की तैयारी कर रही, चाहे बोल भी कोई बात नहीं, मखाने तो है पर हम मखाने हैं ये भी उसी तरीके से बने बिल्कुल। खाना पीना करके सब ऊपर आ गए हैं, प्रीति अभी नंदनी को दूध पिला रही है, और बर्तन वगैरह सब काम जो है शाम के टाइम का वो निपटा दिया अभी हमने, और अभी यहाँ पे आए थे थोड़े से बम फोड़ने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए, लेकिन आरुष तो डर का मारा नीचे चला गया, अभी मैं भी यहाँ पे छुपी हुई हूँ, अगर इधर से रोकेट आएगा ना तो मैं इधर से ये दरवाजा बंद कर लूँगी, मुझे भी इतना ही डर लगा जितना आरुष था, आरुष तो मेरा क्या हाथ जोड़ रहा था, मम्मी मुझे नीचे छोड़ दो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा तो मैं तो यहाँ से छुप छुप कर देख रही, अभी जब प्रीति आवेगी इतना उसका इंतजार कर रही। हम छुड़ाते हैं दोनों फूलझड़ियाँ, बम वगैरह हमारे बस की बात नहीं है, हमें लगे डर, एक हमने साड़ी पहन रखी इस वजह से। पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत भाग दौड़ रही, हर जगह पूजा पाठ चलती रही आज हम सब की, तो जी आप सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया दिन रहा, और दिवाली हम लोगों की अच्छी बन गई, अब बस बम फोड़ने की बारी है, दिवाली बम के बिना अधूरी रहती है, और अब सब लोग जो हैं बच्चे वगैरह सब बम फोड़ने में लगे हुए हैं। ये सारे के सारे हवा से परेशान, हवा चल रही है, सारी दिए सारे मोमबत्ती जो है वो बुझ गए, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, और ये सारे के सारे अभी जलाएंगे, अनार बम चलाएंगे अभी।
गुड्डू सोच रही है मैं चलाऊंगी, लेकिन उसे डर भी उतना ही लग रहा। गुड्डू को ये देखो, इधर बैठी थी, आरुषि को नहीं डर लग रहा। आरुष तो डर के मारे चला गया नीचे, वो तो बस ये पोप पोप वाले बम ही छुटा सकता है जो जमीन में मारने वाले होते हैं, कट जाते हैं जमीन में मारते ही। फूस 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 हो गया फूस। ये वाओ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। संध्या कालीन समय में ऊपर आ गए सारे सारे मेरे साथ में। देखो यहां घास कट रहा, घास कट रहा, खेती कर रहे हैं ये, खेती में पानी डाल रहे अपनी। यहाँ की खेती जो है ना ये सक्सेसफुल नहीं रही, ये बेकार हो जाती है। ये तो इनमें ज्यादा धूप लग जाए, याद नहीं रखता पानी डालना। पानी गिरेगी इसमें, कभी वो खराब हो जाए और भी क्या करोगे, पानी गिर के सूख चुकी भाई वो अब। और अब बारिश चली है लगातार पिछले महीने, तो इसलिए नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो है लग रहेगी स्कूल तक, तो इसी वक्त स्कूल से आने के बाद डर लग रोगे। हाँ डाल जल्दी। अरे पानी में घुसना तुम्हें, कहीं ना पानी डाल रहे तुम। इसके बल्ले बल्ले सावा सावा ऊपर आते ही हम तो बोतल में पानी गिर दिया है। इनमें बोतल में भर भर के ला के, क्योंकि इनके बहुत बड़े ये सूख गया। देखो आधे से ज्यादा सूख गया। पापा अब इनकी खेती कर रहे, वो तोड़ना टूट जाएंगे भाई, ऐसे तो टूट जाएंगे यार। ये इसे ले आओ, ये नहीं आ रहा नीचे तक। ये देखो क्या ले गया, मुझे किस काम पे लगा दिया इसने। मैं पकड़ ले, पकड़। हाँ देखो लटक गया, सही से झूलियो और गिर पड़ी हो ना, गिर गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पकड़। ओ आरुष तू क्या कर रहा भाई, खेती खेती कर रहा कैसा? नंदू लटक जा। कपड़े फैलाने की रस्सी है प्लास्टिक की, तो इस पर लटके झूला बना रखा। भाई तू ये छोटी डंडी डाल ले, आँख में आँख में लग जाएगी यार। अरे खेती करने का नहीं है ये सामान, फेंक दे इसे, आ जा। इन पे क्या करेगा? हाँ जी बताओ। पुराने दिनों से हम यहाँ खेती करेंगे। पुराने दिनों से हाँ। कपड़े मत भिगो लियो, ठंड का टाइम होने वाला है। खुद ही भीग गए, आप कूद रहे। ले पकड़ ले, ले पकड़। इन्हें मुझे इंगेज रखना पड़ेगा अलग अलग चीजों में, नहीं तो ये लगन भी लगे। ले लो भाई ले, लगन भी लगे एक चीज पे लड़े। तो झोल तुम दो जो है पानी डाल लो। चिंकी इधर घूम रही, टहल रही, सनसेट देख रही। क्या दिखा दो, क्या दिखा दू? बोल दे तो बोल, बोल दे तू। बॉल नहीं आया यहाँ पे, कहाँ है बॉल? भैया बॉल नहीं लाए हैं। मेरे पास एक आइडिया है, देखो वो जो छत है ना वो भी साफ होनी, तो जब उस पे चढ़ेंगे ना वहाँ पे एक बॉल है वो उतर जाएगी और फिर हमारी बॉल हमें मिल जाएगी। हाँ जी हाँ लाए थे, लाए थे। वहाँ फेंक कर रहेगी, फायदा क्या होगा, उधर की छत पे चली जाएगी। आप उठाकर लाओगे ना? हाँ मैं बार बार उठा के लाऊंगा, सही कह रहे हो तुम बेटा। अब इसे बोल के जिद लगी, इसे बोल कहाँ से ला के दूँ, वो फेंक रखी इन्होंने उधर बाथरूम की छत पे। वहाँ दिखा दूँ? अच्छा चिड़िया दिखा दो आपको। आओ आओ गोते में, क्या दिखाऊँ बताओ, चिड़िया दिखा दूँ? कहाँ है चिड़िया? अभी आई थी, अभी नहीं आई। अभी आई नहीं है? नहीं। कहाँ देखो? मेरी चिड़िया बहुत सारी, बहुत सारी है ना, दूर है अभी। हाँ और यहाँ पे क्या लगाएंगे, झालर लड़ियाँ बल्बों वाले। चिंकी प्लानिंग कर रही है यहाँ पे रेलिंग के ऊपर, लेकिन आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे। आज यहाँ भी पकड़ोगे और भाई चोट लग जाएगी ऐसे आपके, चोट लग जाएगी। हाँ
हटाओ इसे और मुंह के सामने से हटाओ। तुम तो यार क्या बताऊं तुम्हें हैं, हट जाओ। तुम तो अब सुनते भी नहीं, कम ही सुनो, मेरी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे आजकल। हैं ये पत्ता तो ले पकड़।